कसरावद में चने की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। ना तो उसमें फूल लगा है और ना ही उसमें फल लगा है। साथ ही उसमें बीमारी ऐसी लगी है कि चना पूरी तरह से सूखने लगा है। 15 बीघा की चने की फसल पूरी तरह से नष्ट हुई है। इसमें लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी फसल में कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही है। किसान द्वारा खाद पानी मजदूरी करने के बाद भी उसमें कोई बीमारी ऐसी लगी है जो कि फसल में न तो फूल लगा है और न ही फल लग रहा है और सूखने लगी है, जिससे किसानों को करीब 15 बीघा जमीन में 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसान जो कि अन्नदाता है, साथ ही किसान महंगी फसलें लगाने के बाद भी कर्जे तले दबा ही जा रहा है। किसान रितेश पाटीदार ने बताया कि फसल में सारा खर्चा लगा चुका हूं और 2 महीने हो गए हैं, लेकिन फसल को लेकर उसमें अभी कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए उसके द्वारा 15 बीघा के चने के खेत में रोटावेटर चलवा कर इसमें दूसरी फसल लगाई जाएगी। जो नुकसान हुआ है उसका सरकार से कहना है कि गुहार है, नकली दवाइयां बनाने की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। अरे मेरे पास सब कपास के खेतों में आए हैं, उधर के खेतों में भी थे, पर इसी खेत में ये समस्या ज्यादा है। अच्छा भैया, जो ये आप चने के अंदर रोटावेटर फेर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये चने को ख़त्म करना पड़ रहा है? धुआड़ और मावठे के कारण ये जो है 2 महीने का हुआ और ये इसमें ये सूखने की ऐसी समस्या आ गई। थोड़ा सा यहाँ है अच्छा, थोड़ा सा वहाँ है अच्छा, ऐसा पूरे खेत में सूख गए। वो थोड़े बहुत अच्छे हैं तो अब उसके चक्कर में पूरे खेत को क्यों उलझाना, ऐसा आप साफ करना पड़ा। खर्च तो पूरा कर ही दिया भैया, ये 15 बीघे में थे। 15 बीघा में हाँ, कितना खर्चा आया होगा इसमें? इसमें तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया खर्च हो चुका है। इसमें अपन ने ड्रिप से जो खाद चलाना था वो भी चला दिया, नीचे से जो खाद देना था वो भी दे दिया, बीज का पैसा, दवाई का छिड़काव सब हो गया। मजदूर का पैसा, अपने को 2 बार दवाई छींटना था और काटना था, इतना खर्च बचा था। 2 महीने की फसल हो गई थी? हाँ, 2 महीने की फसल हो गई। मतलब 2 लाख रुपए खर्चा हुआ, बाकी आप जीरो पे रहे? जीरो पे रहे, और इसको साफ करने का ये खर्चा आया, ये अलग खर्चा लगा आपको, और हम नया जो करना है उसका खर्चा अलग करना है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावद से जाकिर खान की रिपोर्ट।